जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपना 7.2 टॉपिक में और आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। देखिए ये टॉपिक बहुत छोटा है और इसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बहुत एक दो पॉइंट है हम लोग कर लेंगे, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक दो पॉइंट है वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। देखिए बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस ये बेसिकली एक हम लोग डाटा यहाँ पर देखिए एक NDSAP करके एक ये है, ठीक है, एक पॉलिसी है जो 2012 में लाया गया था। डेटा से रिलेटेड ये पॉलिसी है, डेटा को किस तरीके से हम लोग को रेगुलेट करना चाहिए, क्यों कट करना चाहिए, बाकी मतलब पॉलिसी है तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। ओके, डेटा से रिलेटेड जो भी चाहिए हमको, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए हम लोग को, पॉलिसी क्या क्या चाहिए हम लोग, कौन कौन सा स्कीम लाना चाहिए, कौन कौन सा प्रोग्राम लाना चाहिए, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना, सब कुछ, पॉलिसी मीन्स एवरीथिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया कि बायोलॉजिकल डेटा, बायोलॉजिकल मतलब बायोटेक से रिलेटेड, ठीक है, जो भी डेटा होगा उसको हम लोग को प्रिजर्व करना, हम लोग को उसको रेगुलेट करना है, उसको हम लोग को स्टोर करना है अच्छे तरीके से, ठीक है, और शेयर करना है ताकि एक साइंटिस्ट अगर कुछ काम कर रहा हो, दूसरा साइंटिस्ट कुछ काम कर रहा हो, तो दोनों का अगर डेटा हम लोग मिला देंगे, ठीक है, तो तीसरा साइंटिस्ट जो आएगा दोनों का डेटा का यूज करके कुछ अच्छा बनाएगा, कुछ एक्स्ट्रा बनाएगा, ठीक है, और ना तीसरा वालों को फिर से बेसिक से डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, वो नहीं करना चाहिए, उसको डेटा मिल जाएगा तो तीसरा वाला ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग डेटा क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, बहुत ही कॉमन सेंस का चीज़ है, आप सारा 3-4 पॉइंट तो ऐसे निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। शेयरिंग विल हेल्प इन ऑप्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेगा, इफिशियंट होगा बेसिकली, ओपन न्यू एवेन्यूज फॉर रिसर्च, जो ऑलरेडी कोई साइंटिस्ट कर चुका है वो आप रिपीट नहीं कीजिएगा, कुछ नया कीजिएगा। डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन विल इलिमिनेट गेस वर्क एंड लॉस्ट डिटेल्स, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हमको ये डेटा को सबमिट करना है तो आप जो गेस वर्क करते हो ना, क्योंकि हम लोग जब जब डेटा इकट्ठा करते हैं, जब अपना कुछ करते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, केमिस्ट्री लैब में करते थे फर्स्ट ईयर में, तो हम लोग कुछ ना कुछ रैंडमली बीच बीच में मतलब मान लीजिए हम लोग को 10 ऑब्जर्वेशन करना है या फिर 20 ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, तो उसमें से बीच बीच में तीन चार गेस वर्क करके लिख देते हैं एकदम एवरेज करके, ठीक है, तो वो लोग साइंटिस्ट लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम होगा कि ये गवर्नमेंट के पास जाएगा, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करने वाले हैं, तो अगर मैं अभी गलती कर दूँ तो फिर पूरा इतिहास गलती करता, तो फ्यूचर जितने लोग आएंगे सब गलती करने लगेंगे, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी लेंगे, रेस्पॉन्सिबल होंगे और उसको ठीक ठीक से उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके प्रैक्टिकल करके उसको डेटा को डालेंगे, ठीक है। ईज़ इन फाइंडिंग, मतलब अभी जो हम लोग को कुछ डेटा चाहिए होता है तो बहुत मुश्किल होता है, तो एक जगह रहेगा तो हम लोग उसको अच्छे से तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। सोशल बेनिफिट्स मतलब इंश्योर ट्रांसपेरेंसी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, क्योंकि डेटा रहेगा तो जो सरकार है वो अच्छे से पॉलिसी बना पाएगी, ठीक है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल डेटा शेयरिंग, बहुत ही सिंपल चीज़ है, मतलब क्या है, कुछ नहीं करना है। पब्लिक इंगेजमेंट, मतलब पब्लिक को इंगेज कीजिए ताकि पब्लिक से भी डेटा मिले हमें। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली, अगर डेटा मिलता है तो उसको प्राइवेसी उसको मेंटेन कीजिए, ठीक है, आप उसे कहीं डेटा भेज नहीं सकते हैं। डेटा मस्ट बी ऑफ हाई स्टैंडर्ड, बढ़िया डेटा होना चाहिए, ठीक है, आप कुछ भी नंबर डाल दें। ओके, देखिए यहाँ पर बायोग्रिड का एक ये बनाया गया है कि बायोग्रिड बनाएंगे, वहाँ पर सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डेटा है हम लोग एक जगह स्टोर करेंगे इसको, ठीक है। ओके, और ये जो है किसकी कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC, ठीक है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, और ये जो चीज़ था हमारा ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट ये मतलब कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, इसको याद करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस टॉपिक को मैं दोबारा आने वाला हूँ इसको पढ़ने के लिए। ओके, ये देखिए इसके बाद बताया गया कि कौन कौन तरीके का डेटा होगा, बेसिकली ओपन होगा, मैनेज्ड एक्सेस होगा, नो एक्सेस होगा, ठीक है, ओपन मतलब सब लोग यूज कर सकते हैं, मैनेज मतलब सरकार उसको परमिशन देगी वो लोग इशू करेंगे, नो मतलब नहीं, एकदम कॉन्फिडेंशियल, ठीक है इसमें मैंने बताया कुछ कुछ इसमें नहीं है। मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बता दूँ आपको, न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, तो इस टॉपिक ये टॉपिक बायोलॉजिकल टॉपिक है और UPSC बायोलॉजिकल टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ चुका है, ज़्यादा डीप में नहीं जाता है, बट अगर आपको चीज़ों की गहराई नहीं मालूम होगी तो आप UPSC क्वेश्चन समझ नहीं पाओगे, अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये टॉपिक बायोलॉजी है, बायोलॉजी मुझे बिल्कुल पता नहीं है, मतलब मैंने DNA RNA फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ठीक है, हम लोग को बायोलॉजी पढ़ाता है IIT में, ठीक है, हमने पढ़ा था, बट मुझे मतलब अभी अभी कुछ याद नहीं है, तो मैं किसी दोस्त को पूछूंगा, मैं बता दो इसको। तो ये टॉपिक में इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस टॉपिक में अलग अलग वैक्सीन को डिफरेंशिएट किया, ये वैक्सीन इस वैक्सीन से अच्छा कैसे है, ठीक है, और इस टॉपिक से मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि वैक्सीन अभी आया है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो बहुत सारा टाइप का वैक्सीन आया है, तो ये UPSC क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या ये बंदा अवेयर है, COVID-19 इतना बड़ा पैंडेमिक आ गया, क्या इसको मालूम है वैक्सीन क्या होता है, किस किस टाइप का वैक्सीन होता है, क्या क्या डिफरेंस है एक दूसरे में, ठीक है। ये टॉपिक उस सेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको टाइम दूंगा, किसी दोस्त को बोलूंगा भाई पढ़ा दो, जब वो फ्री होगा उसको बोलूंगा मैं पढ़ा दो, उसके बाद मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा बाद में, ठीक
ठीक है। और कल परसों से, अभी मेरा लैपटॉप कुछ इशू है, इसमें कुछ इशू आ गया है, तो हम लोग कल परसों के बाद अभी जो अगस्त महीना का जब मैगजीन रिलीज हो गया उसको हम लोग शुरू करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।